हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमारा बैलेंस डाइट से पहले चेक योर प्रोग्रेस तक हो गया था, तो इस वीडियो में हम लोग बैलेंस डाइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, मींस एक ऐसा भोजन जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए एक दिन में रिक्वायरमेंट या एसेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मील, मील मींस भोजन जो हम खा रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ मील टेकन एट अ टाइम इज कॉल्ड डाइट। एक टाइम में हम लोग जितना भोजन खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट। द डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सफिशियंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एक हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ, एक साधारण वृद्धि के लिए, हमारी बॉडी की साधारण डेवलपमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो। ठीक है, द डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मींस हमारी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट की चीजें, वो पूरा न्यूट्रिशन हमारी डाइट में है तो वो डाइट कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कोई अकेला एक भोजन हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। सो इन ऑर्डर टू मेक अ बैलेंस्ड डाइट, इसलिए हमें एक संतुलित आहार मींस बैलेंस्ड डाइट वाला भोजन बनाने के लिए वी शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन अवर डेली मील। हमें एक बैलेंस्ड डाइट बनाने के लिए हम जितना खाते हैं भोजन, जितना भोजन लेते हैं, उस भोजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को लेना चाहिए, उनको ऐड करना चाहिए। वी शुड आल्सो ड्रिंक सफिशियंट वाटर एंड ईट रफेस कंटेनिंग फूड्स। हमें पानी का भी एक प्रॉपर अमाउंट, मतलब वाटर का भी एक प्रॉपर अमाउंट, सम सफिशियंट अमाउंट हमें डेली पीना चाहिए। एंड ईट रफेस कंटेनिंग फूड्स, मतलब फाइबर्स कंटेनिंग फूड्स को भी हमें लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बैलेंस डाइट का बड़ा चार्ट दिया गया है। अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जो बैलेंस डाइट है जिसमें हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, देखिए बच्चों को रिक्वायरमेंट कितनी है, जवानों को रिक्वायरमेंट कितनी है, बूढ़ों को रिक्वायरमेंट कितनी है, मींस बुजुर्गों को कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से हम सभी का बैलेंस डाइट का जो चार्ट है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी एज ग्रुप के लिए सेम होती है, सभी एज ग्रुप के लिए अलग अलग होती है। एंड ऑल प्रोफेशनल्स मीन्स ये वर्क पर भी डिपेंड करती है, कुछ लोग काम ज्यादा करते हैं तो उनके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ लोग अपना ऑफिस में रहते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं, उनके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इस हिसाब से उनकी बैलेंस डाइट अलग अलग होनी चाहिए, होती है। इफ वी कंपेयर द वर्क ऑफ अ कंस्ट्रक्शन लेबर विद दैट ऑफ अ क्लर्क इन एन ऑफिस, अगर हम दो लोगों की तुलना करें, मान लीजिए कोई एक लेबर है जो आपके यहाँ काम करती है, जब मकान बनता है तो वो लेबर जब काम करती है तो वो ज्यादा मेहनत करती है, या बैंक क्लर्क जो बैंक में बैठा हुआ है वो ज्यादा मेहनत करता है। फिजिकली अगर देखा जाए तो मेहनत कौन सबसे ज्यादा कर रहा है? एक लेबर मेहनत ज्यादा कर रही है। ठीक है, तो द लेबर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट देन द क्लर्क। इट मीन्स जो लेबर है उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए इन द कंपेरिजन ऑफ द क्लर्क। सिमिलरली अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट। जो बच्चा बड़ा हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, उसको अपने डाइट में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है देन अ ग्रोइंग अप मैन। ग्रोन अप मैन मीन्स एक बड़े व्यक्ति के कंपैरिजन में, वो तो ग्रोथ कर चुका,
उसको तो केवल अपनी बॉडी में एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए चाहिए, पर एक छोटा बच्चा भी ग्रोथ कर रहा है इसलिए उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना कि कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ अ ग्रोप मैन। दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी टिश्यूज ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड। ये जो प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए उसको क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में नई सेल्स बन रही हैं, ठीक है, बॉडी उसकी ग्रोथ कर रही है इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होती है। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम वास्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस यहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।